हे हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। देखिए, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखो, ये टॉपिक बड़ा ही इजी है। आप बोलोगे कि कितना इजी है, कितना इजी है, तो फिर ये इतना इजी है कि आप इसको चुटकियों में कर सकते हो, विद इन अ सेकंड आंसर निकाल सकते हो। ओके, देखो, जब भी हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डायरेक्ट करना, ओके, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में। हाँ, अगर कोई टर्म है ऐसी कि जो न्यूमरेटर में है और फिर दूसरी टर्म है डिनोमिनेटर में और दोनों एक ही नंबर से अगर डिविजिबल है तो पहले उनको रिड्यूस कर दो और बाद में क्या करो, आप उनको मल्टीप्लाई करो। चलो फिर देखते हैं कि ये कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, 1 1 जा 1 एंड 4 5 जा 20। अब यहाँ पे तो कोई किसी से डिविजिबल है नहीं, तो इसीलिए हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। ये ऑलरेडी इसके रिड्यूसिबल फॉर्म में है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट टर्म में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 होता है, पहले इसको रिड्यूस कर लो। फिर 4 2 जा 8 एंड 55 1 जा 55, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, हियर कोई करता है किसी से, नहीं करता है तो फिर चलो करते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन। 5 10 जा 50 होता है, 9 8 जा 72 होता है। ओके, अब अरे एक देखो, एक काम कर सकते हो ना आप, यहाँ पे क्या कर सकते हो, 8 इसमें अगर 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 5 जा 10। अब इसको कर मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और 9 4 जा होता है 36। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन है और सेकंड थिंग कि दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है किसी एक नंबर से, तो इसीलिए ये ऑलरेडी उसके लोएस्ट टर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये किसी से डिविजिबल है दोनों, नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा होता है 64। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, डन, दैट्स इट, आगे कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब देखो ये कैसे करोगे, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होता है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, आपको आगे इसको लोवेस्ट टर्म में करना है। देखो, ये डिविजिबल तो नहीं है एक, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर होल नंबर में होता है तो होल नंबर में कर दो, अगर मिक्स में होता है तो मिक्स में कर दो। ठीक है, तो अब देखो, 5 3 जा 15 होता है, ऐसे करते हैं, QRD फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे 5 और ये 16, अब 5 3 जा 15 आ गया, रिमाइंडर बचा 1, तो Q क्या है 3 और हमारा रिमाइंडर क्या है 1 और हमारा डिनोमिनेटर या फिर डिवाइजर क्या था 5, तो 3 इंटीजर 1/5 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पहले इसको ना, ये जो आपका मिक्स नंबर है इसको पहले इंप्रॉपर में कर लो, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 2 10 जा 20 प्लस 7 27/10। ओके, ये हो गया। अब क्या करोगे, कटता है कोई, यस, देखो ये वाले जो नंबर है 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, ये इधर भी हो सकता था लेकिन लेकिन भी। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, 3 27 जा 3 7 जा 21, 2 विल कम एज कैरी, 3 2 जा 6 प्लस कैरी 2 8,